हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आपकी सखी रेनू बाला पे। और मैं हूँ रेनू बाला। फ्रेंड्स, इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि स्किन को हर थोड़े दिन में डीप क्लीन करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही नरिशमेंट भी बेहद अहम होता है। इन दोनों की ज़रूरतों को फेशियल काफ़ी अच्छे से पूरा करता है। यही वजह है कि चाहे जिस भी स्किन एक्सपर्ट के पास चले जाएं जो फेशियल करवाने के लिए, तो ज़रूर कहता है। आमतौर पर महिलाएं महीने भर में या 2 महीने में एक बार इसे करवाती हैं। हालांकि अगर महीने में 2 बार यानी हर 15 दिन में एक बार फेशियल करवाया जाए तो इससे स्किन को ज़्यादा फायदा पहुँचता दिखाई देगा। 15 दिन में एक बार फेशियल करवाने से स्किन को क्लीन कर रखने में मदद मिलती है। ये पोर्स को साफ करने के साथ ही डेड स्किन को रिमूव करता है, साथ ही ब्लैक हेड्स से लेकर वाइट हेड्स को हटाता है। महीने में जब 2 बार स्किन को डैमेज करने वाली इन चीज़ों को हटाया जाए तो त्वचा ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बनी रह पाती है। किसी को कितनी बार फेशियल करवाना चाहिए इस महीने में, इसे लेकर कोई सेट रूल नहीं है। किसी की ड्राई स्किन है तो महीने में 2 बार फेशियल करवाना स्किन को हाइड्रेशन पाने और चेहरे को प्लम्प लुक देने में मदद करेगा। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि जिनकी ऐसी स्किन है जिसके पोर्स जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं या वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, तो वो भी 15 दिन में एक बार क्लीनअप करवा सकते हैं। हालांकि सेंसिटिव स्किन वालों को सोच समझ के फेशियल करवाने की सलाह देते हैं डॉक्टर, क्योंकि ऐसा त्वचा बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है जो समस्याओं को जन्म दे सकती है। फेशियल ऐसा स्किन केयर ट्रीटमेंट है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट और टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन के जरिए 1 से 1.5 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसमें एक्सफोलिएशन के जरिए डेड स्किन और इम्प्यूरिटी रिमूव की जाती है। इसके साथ ही सूटिंग मास्क एवं क्रीम्स से त्वचा को हाइड्रेशन दिया जाता है। साथ ही जिन हैंड मूवमेंट का यूज किया जाता है वो एजिंग लाइंस को कम करने में, फेस शेप को और उभारने में मदद करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।